कैसे आप लोग होप्स आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं मैंने कुछ दिन पहले आ, अपने टीम जो कम्युनिटी है वहाँ पर एक पोस्ट की थी और मैंने उसमें आपसे राय मांगी थी कि भाई इसकी वीडियो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए दे, देख पा रहे होंगे आप लोग गाइज़ क्या आपको वन प्लस केयर ऐप की फुल डिटेल चाहिए क्या तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को 143 फोटी थ्री मिले हैं और यहाँ पर जो कि आप पॉजिटिव में हैं हाँ मैं आपने 87 सेवन बोट दिए हैं तो इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दोस्तों देखिए वन प्लस केयर एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एप्लीकेशन है जिसमें आपसे आपकी स्क्रीन से रिलेटेड आपका हर पार्ट जैसे सपोज़ स्पीकर की बात करें टच स्क्रीन की बात करें है ना माइक की बात करें बहुत सारे ऐसे जो अपने में बटन्स रहते हैं है ना उनकी बात करें तो दोस्तों उनका पूरा चेकअप होता है, सकते है बोल सकते हैं अपन कि बॉडी का हेल्थ चेकअप आप कराने जाते हैं जब तो उसमें पूरे बॉडी के पार्ट में पता चल जाता है कि भाई क्या क्या यहाँ पर डिफेक्टेड है क्या क्या डैमेज है वो सब चीज़ें पता चल जाती हैं ऐसे ही वन प्लस ने एक अपना एप्लीकेशन तैयार किया है जिसका नाम है वन प्लस कीयर के नाम से ठीक है उसमें क्या कर रहे हैं भाई उसमें आपको सारा अपने मोबाइल की टेस्टिंग करनी है कि आपकी टच स्क्रीन कहीं से डिफॉल्ट तो नहीं है है ना आपके सेंसर में कोई इश्यू तो नहीं है आपके बटन्स में कोई इश्यू तो नहीं है तो वो सब चीज़ें वन प्लस जो एप्लीकेशन है वो आपको फाइंड आउट करके दिखाती है तो दोस्तों ये आ, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे अपन पूरा ओवरऑल अपने मोबाइल की टेस्टिंग करेंगे कि भाई अपने मोबाइल अपना मोबाइल जो कि स्किन टच स्किन जो मोबाइल्स हैं उसमें कहीं मोबाइल के अंदर कहीं बबल्स तो नहीं जो कि आप लोगों को दिखाई नहीं देते तो वो कैसे दिखाई देंगे वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि देखिए आपकी कोई भी सीरीज हो वन प्लस की राइट आप नोट सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं या सी सीरीज़ यूज कर रहे हैं या नाइन वन ना ना प्लस नाइन प्रो जो भी आप यूज कर रहे हैं सेवन प्रो दोस्तों हर किसी के लिए ये यहां पर अवेलेबल है आप अपने मोबाइल की यहां पर टेस्टिंग कर सकते हैं तो चलते हैं फटाफट से अपन वन प्लस की यहां पर शेयर पर चेक कर लेते हैं वन प्लस केयर क्योंकि ये आपको फर्स्ट टाइम दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे मैं भी इंस्टॉल फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ ठीक है और इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जो जो प्रोसेस रहेंगी वो मैं यहाँ पे दिखाता जाऊँगा आपको फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों ये इंस्टॉल होने जा रहा है ये इंस्टॉल हो चुका है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर परमिशन मांगेगा आप इसको यूजिंग टाइम दे सकते हैं परमिशन देन उसके बाद यहाँ पर लेट्स बिगिन यहाँ पर प्रोसीड करना है अपन को आप यहाँ पर मांगेगा आपसे नंबर तो दोस्तों आपको नंबर दे देना है ज, जो आपका मोबाइल है उसके अंदर जो सिम डली है उसका नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है तो दोस्तों मैं फटाफट से नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ ये सिक्योरिटी परपज के लिए आपके लिए हाइड रहेगा जैसे ही आप नंबर प्रोवाइड कराएंगे तो नीचे एक चेक चेक बॉक्स आएगा जिस पर आपको चेक ऑन करना है देन नेक्स्ट करना है नेक्स्ट करते ही आपको एक ओटीपी मिलेगा ओटीपी आपको डाल देना है यहाँ पर सिक्स डिजिट का तो यहाँ डाल देता हूँ यहाँ पे मैंने ओ डाल दिया है यहाँ पर परमिशन अलाउ कर देना है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर अभी अपन बात करेंगे कि ये ये देखिए बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है वन प्लस केयर कॉन्टेक्ट लेस रिपेयर ठीक तो ये नोटिफिकेशन आपको देगा इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे तो दोस्तों इस तरह तो का आपके सामने यू आई इंटरफेस आ जाएगा अब आपको क्या करना है आपको किसी भी ऑप्शन को छेड़ना नहीं है आपको सीधे डायग्नोसिस दिस डिवाइस जो लिखा हुआ है इस पर चले जाना है डायग्नोस दिस डिवाइस पे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मैंने काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था आई थिंक थ्री टू फोर मंथ आई थिंक मैंने यूज किया था मुझे ऐसा याद आ रहा है तो दोस्तों मेरे में क्या है ये डायरेक्टली ऐसा आ रहा है आपके में क्या करेगा यहाँ पर ई एम आई नंबर मांगेगा ई एम आई नंबर मैं बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा आपको वैसे तो एक शॉर्ट फॉर्म रहता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको कि नहीं ई एम आई नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन मैं अभी आपको एक जेनअन वे जो है ना ई नंबर फाइंड करने का वो मैं बता देता हूँ आपको चले जाना है सबसे पहले सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अबाउट के अंदर जाना है अबाउट के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और स्टेटस वाले सेक्शन में चले जाना है यहाँ पर आपको ई नंबर मिल जाएगा ठीक है तो आप यहाँ से ई नंबर उठा सकते हैं और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं कॉपी तो आई थिंक नहीं होगा लेकिन आपको नोट करना है देन उसके बाद आपको यहाँ पर डाल देना है अब फुल डायग्नोसिस पे अपन को क्लिक करना है जैसे ही आप फुल डायग्नोसिस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह के कुछ सेक्शन तो आपके सामने निकल कर आ जाएंगे जिनकी मैं बात कर रहा था सपोज आप बॉडी का हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं तो आपका नाक कान गला ठीक है हाथ हाँ, पैर पेट स्टोमक सब चीज़ें जो रहती है ना वो आपकी क्या होती है चेक होती है राइट तो ऐसे में क्या है कि मोबाइल के अंदर क्या होता है बैटरी ब्लूटूथ वाईफाई जीपीएस सेंसर सिम वन सिम टू यूएसबी स्पीकर ये सब चीज़ें दी जाती है तो इनको भी अपन बोल सकते हैं ये मोबाइल का हेल्थ चेकअप है एक तरह से तो दोस्तों अभी अपन इसको यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगा फिर देख लेते हैं अपन लेस्ट डू इट इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर वाइल यूजिंग द ऐप यहाँ पर परमिशन दे देना है दोस्तों इसको परमिशन मांग रहा है तो परमीशन अलॉटेड कर देनी है देन उसके बाद दोस्तों आपको जैसे ही आप परमिशन अलॉटेड करेंगे और अब वापस से आपको वन प्लस केयर वाले एप्लीकेशन में आ जाना है देन उसके फुल डायग्नोसिस और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों बैटरी यहाँ पर चेक हो चुकी है यहाँ पर ब्लूटूथ भी ब्लूटूथ चेक हो रहा है तो यहाँ पर ब्लूटूथ चेक हो चुका है देन उसके बाद वाईफाई की बात करें तो वो बोल रहा है कि गो टू सेटिंग मतलब ऑन करने के लिए बोल रहा है तो मैं स्किप स्किप कर देता हूँ भाई इसमें क्या है कि कोई दिक्कत नहीं आने है वाईफाई में कोई इशू नहीं है देन उसके जी पी एस यहाँ पर होल्ड पर चला गया है सेंसर ओके है सिम uh, कार्ड मेरे में एक है तो मिसिंग बता रहा था यस कर देते हैं अपन यहाँ पर ठीक है उसके बाद यू एस पी प्लीज़ इंसर्ट यू एस पी अपने पास नहीं है तो अपन इसको स्किप करेंगे यहाँ पर बटन दे रखा है यहाँ पर आपको जो चीज़ें नहीं करनी है टेस्ट वहाँ पर आपको स्किप का एक बटन मिल जाएगा तो मैं रिकॉर्डिंग का भी माइक्रोफोन भी चेक नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इस इसको स्किप कर देता हूँ देन उसके बाद है आपका ईयर पीस स्पीकर ये भी नहीं करना चाहता हूँ ठीक है इसके बाद चलते हैं अपन मोबाइल के वाइब्रेशन को अब मोबाइल के वाइब्रेशन को दोस्तों आपको करना कैसे अगर आप सपोज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर तो क्लिक करना है और दोस्तों मोबाइल को आपको फ्लैट स्क्रीन पर रखना मतलब आपको टेबल पर रख देना है या आप बेड पर रख सकते हैं क्योंकि उसको फ्लैट रखना है बिल्कुल तब जाकर वो वाइब्रेट होगा मैं थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ पर स्टार्ट और रख दिया है मैंने नीचे मोबाइल ये मेरा मोबाइल वाइब्रेट हो चुका है दो से तीन बार वाइब्रेट हो रहा है यहाँ पर चार बार यहाँ पर वाइब्रेट हुआ है ये डन हो गया है इसके बाद टच स्क्रीन मतलब आपकी जो स्क्रीन है ये मैंने नहीं यहाँ पर टच स्क्रीन की बात करें तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ देखिए इस तरह का आपको यहाँ पर देखने लगेगा अब तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई ऐसे आपको फिंगर लेनी है और ऐसे ऐसे कर लेना है ठीक है फिर ऐसे करना है ऐसे करके आपको चला लेना है यहाँ पर ठीक फिर आपको ऐसे कर देना है यहाँ पर इस सारी लाइंस को यहाँ पर डॉटेड को फिल कर देना है ठीक है फिर ऐसे कर देना है ये मेरे से बैक बार बार प्रेस हो रहा है अपनी टच स्क्रीन क्लियर हो गई यह 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 यहां पर ये मल्टीपल टच है ये आप यहां पर मल्टीपल टच कर सकते हैं राइट यहाँ पर ये मल्टीपल टच हो गई अब अपना जो मेन काम है ये आपकी स्क्रीन जो है वो अपना चेक कर ली है कि भाई आपकी स्क्रीन बिल्कुल काम कर रही है टच स्क्रीन अपनी काम कर रही है मल्टीपल टच भी काम कर रहा है अब दोस्तों बात करते हैं डेड स्पॉट ये दिस इज अंपॉर्टेंट थिंग्स राइट डेड स्पॉट आप लोगों को मोबाइल के अंदर ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है फिर आप देखेंगे लाइट को देखिए दोस्तों इस तरह की लाइट में अगर आपको कोई भी डेड स्पॉट देखने को मिलता है तो दोस्तों सीधी सी बात है कि भाई आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट है अगर ये स्क्रीन आपको लाइट आपको प्रॉपर नहीं दिखाई देती है तो आपको यहाँ पर समझ जाना है कि भाई हमारे मोबाइल में कोई ना कोई डिफॉल्ट है ठीक है तो डेट डेड स्पॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इसको चेक जरूर करिएगा तो यहाँ पर आपको डज द स्क्रीन हैव एनी डिस्क्लोजेशन बैक वाइट स्पॉट यस कर देना यहाँ पर ओके okay, यहाँ पर ये यह हो जाएगा देन उसके बाद ब्राइटनेस आप चेक कर सकते हैं स्टार्ट नाउ ये प्रॉपर है अपनी ओके okay, यहाँ पर कर देना है डिड यू सी एनी चेंज ब्राइटनेस नो ठीक उसके बाद यहाँ पर सेंसर यूज कर लेना है आई हैव इंक्रीज रूम ब्राइटनेस फॉर अ सेकेंड आपको यहाँ पर मोबाइल को कहाँ रखना है क्लोज टू ईयर रखना है ठीक यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया है ठीक है ये सेंसर आपको दिखाई दे रहा होगा ये आ जाता है ईयर ये, के पास रखोगे तो ये आ जाएगा देन उसके बाद अपन चलते हैं वहाँ पर वॉल्यूम बटन्स तो मुझे पता है तो कोई इशू नहीं है स्किप कर सकता हूँ फ्रंट कैमरा भी स्किप करना है मेरे रुको क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे को पता है कि सही है आपको जो चीज़ पता है वो आप स्किप कर सकते हैं ठीक है बैक कैमरा भी पता है मुझे देन फ्लैश लाइट फ्लैश लाइट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं फ्लैश लाइट देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं वैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों ब्लिंक होगी एक दो तीन चार पाँच ये मेरे से पूछेगा कितनी बार ब्लिंक हुई ये आपको काउंट करना है अगर आप यहाँ पर गलत देंगे तो ये इसका मतलब है कि आपके में कुछ ना कुछ इशू है तो मैंने पाँच दबा दिया देखते हैं क्या करता है देखिए राइट बन गया मतलब मेरा इशू क्लियर हो गया यहाँ पर ये ईयरफोन की बात करें तो मैंने कोई ईयरफोन यूज नहीं कर रखा है तो मैं स्किप कर देता हूँ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है वर्किंग वर्किंग नॉट इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड इस तरह से ये सब कुछ निकल कर आ जाएगा कि भाई आपने क्या चीज़ स्किप की है है ना कौन सी चीज़ वर्किंग है कौन सी चीज़ फेल्ड हुई है ठीक है वो फेल्ड अपने कारण से ही होती है ऐसे फेल्ड नहीं होता है ठीक है और कुछ अगर इशू निकल के आएगा तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा सामने जैसे कि डेड स्पॉट की बात करें तो वहाँ पर अगर आपको इशू दिखेगा तो आपको सामने दिख जाएगा तो दोस्तों इस तरह से अपन डायग्नोसिस चेक कर सकते हैं और वापस से बैक आ सकते हैं तो दोस्तों जो वन प्लस केयर जो एप्लीकेशन है बेसिकली यही है इससे आप अपने मोबाइल की पूरी फुली टेस्टिंग कर सकते हैं फुल हेल्थ चेकअप कर सकते हैं कि भाई आपकी मोबाइल की जो लाइफ है वो कैसी है है ना प्रॉपर उसमें कोई ऐसा कोई डिसीज ऐसी कोई इशू तो नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो में यही आप लोगों को समझाना था कि आप अपनी जो मोबाइल है वन प्लस उसका आप यहाँ पर टेस्टिंग कर सकें और कुछ भी इशू आता है तो आप यहाँ पर खुद से चेक कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में बताते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना चैनल भी न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक दोस्तों गुड Bye.